माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीवाणु, कीटाणु और विषाणु भी हमें घेरे रहते हैं। हमारी त्वचा पर भी, चाहे हम अपने आप को कितना भी साफ कर लें, करोड़ों जीवाणु और कीटाणु रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं। नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। हमारा आज का विषय है यूनिवर्स कनेक्शन क्या है और हम अपने यूनिवर्स कनेक्शन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मैं हूं शर्मिला कन्नन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूँ। दोस्तों, यूं कहने को तो कहते हैं कि हम इंसान अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। ये सच भी है, लेकिन हम कभी अकेले रहते नहीं हैं। हमारे आसपास हमारे घर वाले, परिवार वाले, अन्य सदस्य, अगर विद्यालय जाते हों तो विद्यार्थी, या फिर अगर नौकरी पेशा हों तो ऑफिस के कलीग्स, रिश्ते नाते, इतने सारे लोग हमारे चारों तरफ हमें घेरे हुए रहते हैं। इसके अलावा हमें जो इन नश्वर आँखों से दिखता नहीं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीवाणु, कीटाणु और विषाणु भी हमें घेरे रहते हैं। हमारी त्वचा पर भी, चाहे हम अपने आप को कितना भी साफ कर लें, करोड़ों जीवाणु और कीटाणु रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा क्या आपने सोचा है कभी, हमारे चारों तरफ कई सूक्ष्म रूहानी शक्तियाँ भी रहती हैं। हम में से कई लोग इतने सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं कि हम इनकी मौजूदगी को महसूस भी कर पाते हैं। हम में से कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि जानवरों से भी बातें कर पाते हैं, एनिमल कम्युनिकेटर्स भी होते हैं, उनकी भावनाओं को, उनके मन में जो चल रहा है उसको महसूस कर पाते हैं। ये हमारा यूनिवर्स कनेक्शन का ही एक हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने अंदर जागृत कैसे कर सकते हैं, एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, हम भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं आज के दिन में। अपने लिए ही वक्त नहीं है, किसी दूसरे के लिए क्या ही होगा। फिर अपने आप को एक सकारात्मक ऊर्जा से कैसे हम भर सकते हैं, इस पे ध्यान देने के लिए सबसे पहले हमें अपने खान पान को, अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा बदलना होगा। हम जब बहुत सारा फल और सब्जियां खाते हैं, कच्चे फल तो हम खाएंगे ही, फल तो कच्चे ही होंगे, हम पकाएंगे नहीं, लेकिन जब हम सब्जियां कच्ची खाते हैं, इनमें हमारे शरीर को रिपेयर करने की, हमारे भावनाओं को ठीक करने की और हमें एक बेहतर इंसान बनाने की, सेहत के नज़रिए से भी और एक इमोशनल भावनाओं के तरीके से भी देखा जाए तो इनमें बहुत ताकत होती है अंदरूनी रिपेयर की। जब हम अपने जीवन शैली में अपने खान पान को बदल लेते हैं, प्रोसेस्ड खाने से दूर रहते हैं, एनिमल प्रोटीन से दूर रहते हैं, ऐसे खाने से दूर रहते हैं जिसमें किसी दूसरे का दर्द मिला हुआ हो। हम चाहे अंडा, मांस या मछली खाएं, या हम डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हुए अपने आप को शाकाहारी कहना चाहें, जब हम इस चीज़ में बदलाव ले आते हैं, हमारा यूनिवर्स कनेक्शन अपने आप ही बेहतर होने लगता है। कैसे? हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि जीने का अधिकार सिर्फ हमें नहीं, बाकी जीव जंतुओं को भी है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी है। हम दो बार सोचेंगे किसी पौधे को उखाड़ने से पहले, फूल को तोड़ने से पहले, या जंगल को काटने से पहले, या पेड़ों को काटने से पहले। हम बल्कि पेड़ पौधों को लगाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि पक्षी उसमें आके बैठें, अपना घोंसला बनाएं, अलग अलग पक्षियों को देखना, प्रकृति के साथ जुड़ना। जब हम प्रकृति के साथ इस तरीके से जुड़ना सीख जाते हैं, तब हमारा यूनिवर्स कनेक्शन बेहतर बन जाता है। हम जंगलों को पसंद करने लगते हैं, पेड़ पौधों को पसंद करने लगते हैं, दूसरे जानवरों के प्रति हमारे मन में करुणा की भावना आ जाती है। हम चाहे उनकी मदद हमेशा ना कर पाएं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि अपने घर में एक छोटी सी जगह पर छोटा सा मिट्टी का बर्तन रखें, जहाँ पर हम दूसरे पक्षियों के लिए हम चारा और पीने का पानी रख सकें, क्योंकि प्यास उन्हें भी लगती है, भूख उन्हें भी लगती है। हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमने उनके रहने की ज़मीन, उनके जंगलों को काटकर अपने लिए मकान बना लिए हैं और उनको बेघर कर दिया है। और जब कोरोना आता है तब हम कहते हैं, भगवान है कहाँ तू, है कि नहीं? सोच के देखें तो हम अपने यूनिवर्स कनेक्शन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमारे अपने अंदर अगर दया की भावना जागृत होगी तो प्रकृति के मन में भी हमारे लिए दया की भावना जागृत हो जाएगी। हमारे जीने का, आगे बढ़ने का रास्ता बनता चला जाएगा।
हम दूसरों के लिए रास्ते बनाते हुए चलें, तो हमारा यूनिवर्स कनेक्शन बन ही गया समझो। विचार करें इस बारे में और कमेंट बॉक्स में लिखें। फिट तक में, हेल्दी लिविंग विद चरण में हमारे साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।